तो नेक्स्ट मशीन हमें मिलती है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर, वो हमें मिलती है स्लाइड रूल। ये मशीन जो है नेपियर बोन्स के 10 साल के बाद, यानी के 1622 में बनाई थी। किसने? सर विलियम ऑर्टरेट ने। और इसमें क्या था, ये थोड़ी सी मिलती जुलती है, ये भी आप समझ लें, एक एडजस्टमेंट के जरिए कैलकुलेशन होती थी, जिस तरह नेपियर बोन्स में हम करते थे। इसमें क्या है, ये मुख्तलिफ स्केल्स मौजूद है, 1 2 3 4 5, 5 से 6 ये मुख्तलिफ स्केल्स मौजूद हैं, और इन स्केल्स को हम स्लाइड कर सकते हैं। और जब हम सेट करते हैं इनको इस तरह से, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले में आपने सेट किया 2, दूसरे में आपने सेट किया 3, और उसका आपने ऐड करना है, तो यहाँ जो अगला स्केल है उसमें ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा 5। तो इसका मतलब 2 + 3 5 है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वो इसी तरह होता है कि 2 3 6, वो अगले स्केल में, यहाँ पे एक और स्केल होगा जिसमें हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सेट करेंगे। तो ये किया था विलियम ऑर्टर ने, कि स्केल्स इस तरह से बनाए थे कि उनको एडजस्ट करके हम कैलकुलेशंस कर सकें। ये स्लाइड रूल पिछले 60 साल पहले तक इस्तेमाल होता रहा है, 1960s तक ये इस्तेमाल होता रहा है। स्कूल्स में बच्चे उस जमाने में स्लाइड रूल सीखा करते थे। अपोलो 11, यानी कि नासा के साइंटिस्ट भी, नासा के इंजीनियर्स भी इसको यूज किया करते थे। ये काफी हैंडी था और काफी यूज हुआ करता था। इसके अंदर ना सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बल्कि पाई की बहुत सारे लोगेरिथम की फॉर्म, वो सब कुछ, हर हर किस्म के स्लाइड रूल आया करते थे। शुरू शुरू में ये सर्कुलर फॉर्म में था, सर्कल के इस तरफ और पिछली तरफ भी नंबर्स लिखे हुआ करते थे। हमने इस तरह से सेट किया करते थे इसको क्लॉक की तरह से, और हमें आंसर मिल जाया करता था। ये मुख्तलिफ सर्कुलर डिस्क हैं, ये एक डिस्क ये है, फिर एक डिस्क ये है, एक डिस्क ये है, इस तरह से हम इन्हें एडजस्ट किया करते थे और हमारे पास नंबर आ जाया करता था। तो ये है अगली मशीन जो कि हमारे कैलकुलेशंस में मदद किया करती थी। अभी तक हम कंप्यूटर्स तक नहीं पहुंचे, ना किसी किस्म के कैलकुलेटर तक पहुंचे। याद रहे कि ये कैलकुलेटर नहीं है, कैलकुलेशंस नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, ये सिर्फ एडजस्टमेंट के जरिए हो रहा है, नेपियर बोन में भी, स्लाइड रूल में भी और एबेकस में भी। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में जब हम देखते हैं पीछे, तो हमें ये तीन मशीनें, तीन पॉपुलर मशीनें नजर आती हैं।